आगामी दीपावली पर्व को लेकर सीएलजी शांति समिति की बैठक आयोजित। दीपावली पर आपसी सौहार्द कानून व्यवस्था बनाए रखने का किया गया आह्वान। कस्बे के लोगों ने अलग अलग रखे सुझाव। बैठक में राजल देसर कस्बे में बुधवार देर शाम को दीपावली पर्व को लेकर पुलिस थाने में सीएलजी व शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें तहसीलदार जितेंद्र सिंह, जीएसपी अनिल कुमार, थाना अधिकारी कमलेश सेन ने दीपावली पर्व पर आपसी सौहार्द व कानून व्यवस्था बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने अपराध की रोकथाम के लिए सजग रहने व पुलिस का सहयोग करने की अपील की। इस दौरान यातायात, साफ सफाई, बिजली, पानी, चिकित्सा व्यवस्था आदि को लेकर भी चर्चा की गई। भीड़भाड़ वाले स्थान पर पर्याप्त जाप्ता तैनात करने की मांग की गई। लोगों ने अलग अलग सुझाव बैठक में रखे। बैठक में साफ सफाई व्यवस्था पर विशेष फोकस रखने की बात कही। इस अवसर पर बिजली विभाग के पंकज सिंह, डॉक्टर राहुल चौधरी, पालिका से जैकी राम, पूर्व पालिका अध्यक्ष हंसराज पारिक, गोपाल मारू, पवन बोथरा सहित अनेक व्यक्ति मौजूद रहे। सीएलजी की बैठक लिए सभी अधिकारियों को क्या क्या दिशा निर्देश दिए, स्पष्ट हुआ चुका। आज दीपावली के त्यौहार के संबंध में थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों एवं मार्केट के बाजार के व्यापारियों की एक मीटिंग बुलाई गई थी, और बड़े हर्ष की बात है कि राजल देसर के गांव देहात गांव से और शहर से सभी गणमान्य नागरिक लोग, पत्रकार बंधु उपस्थित हुए। विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, तहसीलदार साहब, बिजली विभाग से, जलदाय विभाग से, नगर निगम पालिका से, सभी अधिकारीगण यहाँ पे पधारे थे। सभी लोगों ने दीपावली के अवसर पर शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए सभी और अपनी अपनी समस्याओं के बारे में बताया। मुख्य रूप से समस्या बैंक ऑफ बड़ौदा, सुभाष चौक और बस स्टैंड के पास में जो पार्किंग और भीड़ भाड़ ट्रैफिक की जो समस्या थी, उसके बारे में सभी ने ये बताई थी। इसके ऊपर हम लोग, मैं, तहसीलदार साहब और एसएचओ साहब, सभी इस पर व्यापारियों के सहयोग से इस व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करेंगे। और एक आवारा पशुओं के बारे में बताया था कि आवारा पशु कई सुझाव भी आए, इसके समाधान कैसे हो सकता है। ये भी बताया कि गौशाला वगैरह में और शाम को ट्रैक्टर घुमा करके जो सब्जी का जो कचरा पड़ा रहता है, अवशेष जो पड़े रहते हैं सब्जी के, तो उनको उठा करके कहीं डाला जाए तो उसका भी समाधान होता है। कई पहलू थे समाधान के, उन सभी पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। और एक समस्या पानी की और स्ट्रीट लाइट वगैरह की थी, तो इन्होंने जो बिजली विभाग थे और नगर निगम पालिका थी, इन्होंने कहा कि हाथों हाथ ये कल लगवा देंगे। बिजली की समस्या जो फॉल्ट है वो अभी ठीक किए जा रहे हैं, और दीपावली के मौके पर लाइट को ऐसा